दिल्ली के जीएसटी डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर अमन सिंगला की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़ित की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। युवती के परिवार ने अमन सिंगला और उसके परिजनों पर दहेज की मांग करने और प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। पूरा मामला नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 99 की सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी का है। मेरा नाम मीना बंसल है, मैं लड़की की मासी हूँ। लड़की ने कल हमें बुलाया था कि मेरी तो मासी आप आके ले जाओ, मेरे को बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, मेरे को दहेज मांगते हैं, मेरे को कहते हैं कि तू बुज है, तू पागल है, तू ये है, तू वो है, मेरे को रोज़ कहता कि गोलियाँ खा ला है, किचन में पड़ी हैं, तू गोलियाँ खा रहा, तू मरती क्यों नहीं है, तू घर क्यों नहीं जाती है, तू कब मेरा पीछा छोड़ेगी। लड़की पढ़ी लिखी है, उसने CA की हुई है, CA कर रही थी लड़की, लास्ट ग्रुप था, और वकालत कर रही थी, वकालत का लास्ट ग्रुप था। खरगोन शहर के बिस्तान रोड पर छापड़ा दुकान के सामने तेज गति से आ रहे डंपर ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर मुबारक ने बताया कि 50 वर्षीय फरजाना निवासी संजय नगर घर से अस्पताल बहन की डिलीवरी के लिए जा रही थी कि इस दौरान बिस्तान रोड पर ट्रोले ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसे गंभीर हालत में एक ऑटो चालक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेके गया, जहाँ चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे, उधर डंपर को थाने ले जाकर सघन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ। TNI के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। रोड पे छापड़ा साइकिल वाले के सामने कैसे हुआ ये? ट्राला वाले से ठुका था, तो ट्राला वाले इस पहिया फेंक दिया पिछले दोनों पे। आप कौन? ऑटो रिक्शा चालक? ऑटो वाला। तो आप भी बिठा के ले? जी मैं ही उठा के आया था। उसने पीछे सीलो आया था, पीछे से आके एकदम से मेरे को भर दी, तो ये गिर पड़े और ये टायर के नीचे आ गया। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जा कहाँ रहे थे? संजय नगर। ये हॉस्पिटल आ रहे थे हम टिफिन लेके, हमारी बेटी की डिलीवरी हुई। क्या नाम था इनका? फरजाना। कब की बात है ये? अभी भी। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? बिस्तान रोड में सावरा साइकिल वाले के सामने। तो डंपर वाला मार गया? ये आ रहा था कि जा रहा था? मैं आ रहा था, मेरे पीछे से वो आ रहा था, उसने एकदम से गाड़ी भर पीछे था मार। हाँ, पीछे से मेरे को टक्कर मारी था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक। आप साथ में थे? हाँ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश की जनता और अधिकारियों के साथ ही सत्ताधारियों के लिए भी COVID-19 के प्रति गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा कही गई है। साथ ही एक नई गाइडलाइन और दी है कि कोई भी प्रत्याशी 5 कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लेकर प्रचार नहीं करेगा। लेकिन हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र में देखा गया कि वार्ड 24 की भाजपा प्रत्याशी प्रभा सिंह पत्नी वरिष्ठ भाजपाई रामवीर सिंह भैया जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जब किया, तो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही उनकी दावत का भी भरपूर इंतजाम था। उद्घाटन के बाद भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ ही समर्थकों ने जमकर प्रत्याशी द्वारा की गई दावत का लुत्फ उठाया। खरगोन जिले के जिला चिकित्सालय में अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से एक की मौत हो गई, जिससे परिजन ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। बता दें कि रामेश्वर सेन को 3 दिन पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार में लापरवाही बरतने पर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान परिजन ने अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही उजागर करके खुलासा किया कि बाजार से बुलाए जा रहे इंजेक्शनों में जमकर कालाबाजारी हो रही है, जिसकी जांच की जाए। वहीं सिविल सर्जन दिव्येश वर्मा ने ऑक्सीजन के पर्याप्त सिलेंडर बताकर कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान लगा दिया। बहरहाल घटना के बाद जिला अस्पताल की लापरवाही के साथ इंजेक्शन की कालाबाजारी की बात उजागर हुई, जिसमें देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में शासन प्रशासन स्तर पर क्या कार्रवाई की जाएगी। TNI के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। सिलेंडर खत्म तो कभी नहीं हुए है, न रात को है न अभी हुए है। रात को भी मेरे पास 100 सिलेंडर आए हैं और सबको बराबर ऑक्सीजन मिल रही है ना। और जो डेथ हुई थी वो जो हमारा जो भाई हैं, एज भी ज़्यादा थी, उनको बायलेटर निमोनिया था, वेंटिलेटर पे भी रखा था हमने रात से। कल दोपहर तक वो अच्छे से चलते भी रहे थे, सडनली उनका निमोनिया, इनकी जो उनका एंटीजन का टेस्ट जो है वो निगेटिव आया था। और बाकी जो एंटीबायोटिक वगैरह जो है हम जो कोविड प्रोटोकॉल में दे रहे हैं, उसी तरह की एंटीबायोटिक भी दे रहे थे, पर उनका सेचुरेशन
इंस्पेक्टर गिविंग 15 से 16 लीटर पर मिनट के हिसाब से। उसके बाद मेरा नाम शुभम सोनी है और पेशेंट का नाम रामेश्वर सेन है। मेरे दोस्त के दादाजी है और वो 3 दिन से एडमिट थे और कल रात में एकदम से पूरा हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया 3 घंटे के लिए। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया। यहाँ पे जितने भी मरीज थे सब हालत गंभीर हो गई। हमारे दादाजी ने भी उसके पहले थूली खाई आराम से बैठे और उसका एकदम से ऑक्सीजन खत्म हो गई तो उनको एकदम से जो सेचुरेशन लेवल था 94 से 96 आ गया और 96 आने के बाद उनको एकदम से झाग आ गया। और इतनी बड़ी घटना हो गई कि ऑक्सीजन अस्पताल में खत्म हो गया उसके बाद भी कोई बड़ा डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था।